हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे मटेरियल को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। एट फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जो करंट कंडक्टिविटी थ्रू वैक्यूम गैस और सेमीकंडक्टर पे स्टडी करता है। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। अगर कोई एक एटम लेते हैं तो एटम में जो है मेरा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीन पार्टिकल्स मेरा प्रेजेंट रहता है। वही इलेक्ट्रॉन जो है एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जिस जगह प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस में मेरा जो है यहाँ पे मेरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। उस एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका एटॉमिक नंबर बताता है। वहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का अगर सम कर दे तो वो उस एटम का मेरा एटॉमिक वेट आ जाता है। इलेक्ट्रिकल यहाँ एक एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग, सिलिकन का एग्जाम्पल लिए हैं। सिलिकन का एटॉमिक नंबर हम बोल रहे कितना, 14 है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फर्स्ट सेल में मेरा 2, सेकंड सेल में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में यानी मेरा 4 इलेक्ट्रॉन मेरा प्रेजेंट रहेगा। तो लास्ट सेल में जो है मेरा लास्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन मेरा प्रेजेंट रहता है यानी डेट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरा जो इलेक्ट्रॉन मेरा प्रेजेंट है वही मेरा क्या कहलाता है, मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा कितना होगा, 8 हो सकता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटरमाइन करता है उस मटेरियल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, साथ ही साथ जो है उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी डिटरमाइन करता है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको देखते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पे बोले कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा इक्वल टू 4 है तो ये मेरा क्या कहलाता है, मटेरियल जो होता है वो मेरा सेमी कंडक्टर हो जाता है, सेमी कंडक्टर हो जाता है। वहीं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन 4 है तो ये मेरा हो जाता है 3 हो, 2 हो या 1 हो, तो ये मेरा हो जाता है मेरा कंडक्टर 1 हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। वहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर ग्रेटर देन 4 है तो मेरा क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। तो वही देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे जो है मटेरियल को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर देखते हैं कि कंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी जो होता है वो बहुत हाई होता है, इसमें लो रेसिस्टिविटी पाया जाता है, और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेरा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ एक टर्म आया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, अगर हम मान लेते हैं ये आउटर सेल में जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें कुछ एनर्जी हम लोग इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे हम इसमें एनर्जी देते हैं तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस जगह से एस्केप कर जाता है यानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल गया यही मेरा क्या कहलाता है, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंडक्टर का जो एग्जांपल हम लोग देखते हैं कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारा सब क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, मेरा कंडक्टर का है। वहीं सेमीकंडक्टर जो है इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, और इसमें जो रेसिस्टिविटी होता है वो मेरा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, इंटरमीडिएट का होता है। और वहीं जो इसमें जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी जो क्या है मेरा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सारा चीज़ क्या है मेरा एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर का। वहीं इंसुलेटर जो है इंसुलेटर में लो कंडक्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। वहीं इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं डायमंड जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे, सेमीकंडक्टर क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, और इसका कितना कितना पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया और ये कैसा बिहेव करता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।